ओम शांति। आपका प्रश्न है लॉटरी निकलना कौन से कर्म का फल है। आप ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सा ऐसा कर्म अब करें जो अगले जन्म में लॉटरी मिल जाए, या आप ये जानना चाहते हैं कि अब कौन सा कर्म करें जिसके आधार पर लॉटरी मिल जाए, या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा कर्म कोई करके आता है जो उसकी लॉटरी निकलती है। तीन प्रकार के आपके प्रश्न में बातें मेरे सामने आती है। पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि हम क्या क्या कर्म करके आए हैं जो हमें मिल रहा है। हम पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में कुछ भी जानते नहीं, कोई जानना चाहे तो जान भी नहीं सकता। एक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, पिछले जन्मों में उनको लेके जाना, उसके द्वारा कोई कोई बातें समझ में आती हैं, परंतु वह हम कराते तब हैं जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारी ठीक नहीं हो रही हैं, जिनका हमें भूतकाल के जीवन में कारण मिलता है, परंतु सामान्यता कोई किसी का ना कराता है ना करता है। टेस्ट लेने के लिए करें वो एक अलग विषय है, परंतु हम एक एक तो क्योंकि वो भी उसका अटेंशन रहता है उस बात को लेकर के, वो पिछले जन्मों में लेके जाता है, उसके देखता रहता है, सुनता रहता है, वो सारी बातें अपनी सारी हिस्ट्री सुनाता जाता है, कहां उसका मिल जाए तो उसका कारण ढूंढ लेता है, समझ लेता है, नहीं तो बाकी स्टोरी रह जाती है। अब ऐसे सबकी बनाना बड़ा कठिन काम है, और कोई ऐसा ज्योतिषी हो जो जानता हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जो भूतकाल के बारे में भविष्य के बारे में बता सके। पर बताने के लिए तो परमात्मा ने हमें बताया है कि आप त्रिकालदर्शी हो। हम त्रिकालदर्शी हैं, परंतु त्रिकालदर्शी हम वैसा नहीं है जैसा ज्योतिषी लोग होते हैं। हमारे को सीधा सा बात समझाई है कि आपको वर्तमान में जो मिल रहा है, बहुत सीधी सी पहचान करनी है हमें त्रिकाल, जो हमें मिल रहा है वो हमें 5000 साल पहले भी मिला था और 5000 साल बाद फिर भी मिलेगा, ठीक इसी समय मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। एक बात, 5000 साल पहले मिला था पास्ट में और फिर मिलेगा फ्यूचर में, प्रेजेंट में जो मुझे मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, चाहे वो सुख है और चाहे वो दुख है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। एक बात, ये हम त्रिकालदर्शी हुए। दूसरी बात, त्रिकालदर्शी के लिए जो हमें मिल रहा है वो हमने अब से 5000 साल पहले जो हमें मिला था, इस बीच में दिया हुआ भी है। बहुत ध्यान से बात समझना है, जो हमें अब मिल रहा है वो हमने अब से 5000 साल पहले जब मुझे मिला था उससे पहले मैंने दिया हुआ भी है। दिया हुआ होना मतलब 5000 साल पहले मुझे मिला था, फिर मैंने उसे दिया, अब उसने मुझे रिटर्न कर रहा है, अब मैं 5000 साल अगली बार वो मुझे दे उससे पहले मैं उसे दे भी दूंगा, मैं उसे दे भी दूंगा, रिटर्न भी करूंगा। ये भी नियम है, हमें बहुत अच्छी तरह इस नियम को समझना है, क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है उसका तीनों कालों में हिसाब किताब है, एक काल में नहीं। इसलिए हम त्रिकालदर्शी हैं, लेना भी और देना भी।
इस बात को दो तीन बार सुनने के बाद आप समझ सकेंगे कि जो कुछ भी हमें अब मिल रहा है वो अब से पहले हमारा दिया हुआ है, अब हमने लिया है, और अब के बाद अगला 5000 साल पूरा होने से पहले किसी भी समय वो हम अवश्य वापस भी करेंगे। हर एक्ट में भूतकाल में और भविष्य काल में वो हुआ ही है। एक बार वो हमारे प्रति कर रहा है, पहले हमने किया है, अब उसने हमारे प्रति किया, फिर हम करेंगे। और यदि हम उसके प्रति कर रहे हैं तो उसने हमारे प्रति पहले किया हुआ है, अब उस हमने किया और वो फिर हमारे प्रति करेगा। हमें जो पैसा मिल रहा है, हमारी जो लॉटरी निकल रही है, उसका पहला पहला आधार है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ व्यक्ति हो, समूह हो कोई, जिसको हमने वो धन दिया हुआ है और वो सारा धन अब मुझे मिल रहा है। क्योंकि लॉटरी में एक व्यक्ति का धन नहीं होता, अनेकों का होता है। वो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा हुआ और किसी के भाग्य में है, उसको मिला। तो ये सारा का सारा हमने थोड़ा 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 जिनको दिया हुआ था उन्होंने ग्रुप इकट्ठा करके सारा पैसा और लॉटरी के रूप में मेरे को मिला। तो वो मेरा मिला, मैंने उतना उनको दिया हुआ है। अब इसके अंदर आता है कि पैसे की वैल्यू में बहुत फर्क आ जाता है। आज से मान लो कि 100 साल पहले मैंने दिया था, तो 100 साल पहले जो धन की कीमत थी और जो आज धन की कीमत है, दोनों में बहुत अंतर है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि हम स्थूल चीजों को एज इट इज लेन देन नहीं करते। हमारा संबंध आत्मा का आत्मा के साथ होता है। आत्मा को जितना हमने सुख दिया हुआ है, आत्मा को जितना हमने दुख दिया हुआ है, उस दुख व सुख को लेने के लिए उस समय के अनुसार ये थोड़ा परिवर्तन होगा और वो उसको देने के निमित्त बनेगा। धन की प्राप्ति होने के पीछे केवल धन कुछ नहीं होता, धन के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट, एक लॉटरी का निकलना, अनेक आत्माओं से धन इकट्ठा होकर मेरे पास आया, फिर मैंने उसको किस प्रकार से खर्च करना है, ये भी उस कार्मिक अकाउंट में जुड़ा हुआ है। जिन जिन आत्माओं को मैंने कर्जा देना है और वो कर्जा मेरे पास वापस आएगा तभी तो मैं दूंगा, वरना मैं कैसे दूंगा। तो वो आएगा भी सही और दिया भी जाएगा, क्योंकि ड्रामा के अंदर हर चीज एक्यूरेट टाइम पर हर आत्मा को उसकी क्रिया के प्रतिक्रिया के रूप में, सुख व दुख के रूप में प्राप्त होती है और उसके लिए वो सुख व दुख देने के निमित्त बनती है। और लॉटरी का निकलना, अचानक किसी भी प्रकार से किसी धन का प्राप्त होना, किसी वस्तु का प्राप्त होना, किसी साधन का प्राप्त होना, ये स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के साधन मैंने भी किसी के प्रति दिए। अब जैसे किसी ने शरीर छोड़ा, अब वो सारी संपत्ति छोड़कर चला गया, अब जो उसके वारिस है वही उनको लेंगे, परंतु उनके यदि कोई वारिस नहीं है तो जो उसको लेगा उसके साथ सीधा सा संबंध है कि उसने पहले दिया हुआ था, इसलिए आज उसे वो मिल रहा है। जिसको दिया था उसी के द्वारा ही मिलेगा, जितना दिया था उतना ही मिलेगा। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के
किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें या 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।